हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आज मैं एक मास्क बनाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो उसमें सेम प्रोसेस है जैसा एक पहले क्ले का स्लैब बना लेते, टाइल्स टाइप का बना लेते, तो वही सेम प्रोसेस है। मिट्टी को पहले एक रोलर से उसको लंबा शेप दे दीजिए, ठीक है? मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा उसमें बबल्स और कोई स्टोन कोई चिप्स ना रह जाए, ठीक है? तो टाइल्स बन गया। अभी इसमें एक शेप देना है, ये अपना अपना कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है? ये सेंटर लाइन, उसके बाद एक आउटर सरफेस, तो दोनों साइड एक बराबर करने के लिए एक बना लेते हैं, ठीक है? इसमें कोई टेंसिल भी कर सकते सिमिलर होने के लिए करने के लिए, ठीक है? अभी एक्स्ट्रा जो क्ले है इसको कट कर देते हैं। ठीक है, अभी ये जो क्ले है स्लैब है इसको थोड़ा सा राउंड शेप देना है, जो एक फेस 3D रिलीफ जैसा होता है इस टाइप का एक शेप देना है। तो इसके लिए कोई सा भी राउंड, जैसा मैं मेरा जो पास जो रोलर था उस रोलर को यूज़ कर लिया, इसमें इसको सेंटर करके दोनों साइड थोड़ा सा राउंड शेप में इसको शेप दे दिया। इसमें एक ध्यान देना पड़ेगा, क्ले का जो हार्डनेस है इसमें पानी का जो रेशियो है ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, तो क्या क्या होगा इसमें क्रैक आ जाएगा, अच्छा से बैंड नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये एक्सपीरियंस करते करते ये आ जाएगा, ठीक है? तो ये देखिए थोड़ा सा शेप ले लिया, राउंड शेप, लेकिन बहुत ध्यान देना पड़ेगा, मतलब ध्यान से इसको रखना पड़ेगा। मतलब ये तो अभी भी गीला है, कोई हार्ड तो नहीं हो गया ना, तो इसके लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो एक एक दिमाग में रखते हुए एक 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 शेप दे दीजिए, मतलब एक दोनों साइड सेम एक टाइप का, आदमी का जो फेस होगा, आँख होगा, इसका पोजीशन बना के ऊपर से बहुत ध्यान से इसका आँख बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि नीचे हॉलो पूरा ब्लैंक है, तो इसमें बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, बहुत धीरे धीरे इसको मिट्टी को दबाइए तो आग का, दोनों आग का एक शेप निकल के आ जाएगा। देखिए नीचे भी क्रैक होने का चांसेस है, मतलब तो मिट्टी नीचे गिरने का चांसेस रहता है, तो इसके लिए आप एक काम कर लीजिए, ये घुमा के एक साइड में हाथ अंदर डाल के रखिए और नीचे से प्रेस कीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, इसको नीचे से प्रेस कीजिए तो ये ऊपर आ रहा है, लेकिन क्रैक हो रहा है, थोड़ा सा क्रैक होगा क्योंकि मिट्टी थोड़ा सा हार्ड है। हाँ, तो उसको पानी से मिला लीजिए और एक नाक का शेप आ गया। अभी मुंह का बारी है, मुंह में भी जितना सा हो सके उसको नीचे से उसको प्रेस करके एक शेप बना लीजिए, ठीक है? तो दोस्तों ये जो वीडियो है मेरा, थोड़ा थोड़ा मतलब जो जितना कम टाइम में दे सकता हूँ तो इसी हिसाब से छोटा छोटा वीडियो मैं डालता हूँ, तो ये वीडियो थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये वीडियो फिलहाल अभी इतना ही।